बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज हम पुनः संस्कृत की वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके और विद्यालय में परीक्षाएं भी करानी जरूरी है। अगले महीने में शायद परीक्षाएं संभव हैं, मासिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, मासिक परीक्षा हो सकता है ऑनलाइन ही हो। विद्यालय में आपकी जो कक्षाएं हैं वो कब से चलेंगी ये कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ कि इस दौरान 30% सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है कम कर दिया है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें जो पहला है कवि कुलगुरु कालिदास ही रहेगा, उद्भिज वाला समाप्त कर दिया है, नैतिक मूल्यानि रहेगा, ठीक है। इसमें जो सिलेबस बहुत ज़्यादा दे रखा है, ये बहुत पुरानी पुस्तक है, उसका पूरा विवरण दे रखा है इसमें, इसलिए मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कौन कौन से आएंगे इसमें। भारतीय रवि महाकवि रविंद्र, इस विश्व कवि रविंद्र के बारे में ही पाठ आपको करना है, ये वाला समाप्त हो गया है। और आदिगुरु शंकराचार्य है ये पाठ जो आपको करना है, संस्कृत भाषा गौरवम करना है। और एक और है इसमें लोकमान्य तिलक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 हो गए। गुरु नानक और दीनबंधु और हैं, गुरु नानक देव और दीनबंधु ज्योतिबा फूले, इस तरह से ये 8 हो जाते हैं, केवल 8 आपको करने हैं, बाकी 16 दे रखे हैं इसमें, वो बहुत पुरानी पुस्तक है इसीलिए इसमें 16 दे रखे हैं, बहुत छोटा सिलेबस है, 8 ही पाठ करने हैं आपको, ठीक है। ये तो होगी गद्य की बात, अब थोड़ा पद्य पे चलते हैं। पद्य में मात्र 4 पाठ आपको करने हैं, पहला करना है आपको लक्ष्य भेद परीक्षा, ठीक है। दूसरा है सूक्ति सुधा। तीसरा है विद्यार्थी चर्या और चौथा है गीता अमृतम। मात्र 4 ही पाठ हैं जो आपके इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए, बाकी ये बहुत बड़ा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन पीछे जो इस बार काटे गए हैं वो 3 पाठ काटे गए हैं, वृक्षाणाम चेतनत्वम काटा गया है, ये वाला काटा है, और शांति सौख्यम काटा गया है, ये वाला, और जीव्याद भारतवर्षम, ये 3 पाठ काटे हैं। ऐसे करके 4, 3, 7 पाठ हुआ करते थे, लेकिन ये मैं बता चुका हूँ 2-3 बार कि बहुत पुरानी पुस्तक है, बहुत सारा सिलेबस हुआ करता था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे उसको बहुत कम कर दिया है, और इस बार मात्र 4 ही पाठ आपको गद्य में से करने होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नाटक। नाटक में भी आपको मात्र 4 ही पाठ करने होंगे। पहला महात्मना संस्मरणी, महात्मा जी के संस्मरण है, महात्मा गांधी का पाठ है ये, उसको करना है। कारण को जीवित वाहन, ये बहुत ही मुख्य है, इसमें से 1 प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएगा, इन दोनों में से मिल जाता है लगभग। यौतुक का पाप संचय, यौतुक कहते हैं दहेज को, दहेज पाप का संचय है, ठीक है, एक ये पाठ है इसको करना है। वयम भारतीय, हम सब भारतीय हैं, एक ही करना, तो इस तरह से कितने हो गए, 4 हो गए, लेकिन पहले कितने थे, 7 थे, उसमें से मात्र आपको 4 करने हैं, इसमें से भी 3 काट दिए गए थे। ये आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया है, पाठ का दिया है, बाकी व्याकरण आपकी सब कुछ ज्यों की त्यों ही रहेगा, उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमने इसमें कालिदास के बारे में कुछ अध्यायों में जान लिया है, कितना जाना है लगभग हमने यहाँ तक जान लिया, देश कालादेव कालिदास प्लस्यापि स्पष्ट परिचो नोपलभ्यते, यानी कि जो देश काल आदि कालिदास का जो कुल है उसका भी परिचय के देश काल की तरह ही, देश मतलब
कहाँ जन्मे थे, काल मतलब किस समय जन्मे थे, ऐसे ही उनके परिवार का भी कोई भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता। ये हमने कर लिया था। अब हम कल से यहाँ से शुरू करेंगे। कालिदासस्य नव नवोन्मेष शालिन्या प्रज्ञया उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधया परोक्षम। इस तरह से यहाँ से पूरा अध्ययन करेंगे और दो तीन बार में इसको समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें हो सकता है 13-14 हों, कोशिश करेंगे बड़ा बड़ा बना दें जल्दी जल्दी, आपको ये पूरा समाप्त हो जाए। ये यहाँ तक यहाँ 10 है, हाँ तो 10 है, हम इनको जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसमें फिर प्रश्नोत्तर रह जाएंगे, वो आपको मैं कोशिश करूँगा कैसे बताऊँ आपको, इसमें से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं वो आपको बता दें। उद्वीज प्रसाद इस बार हटा दिया है तो हम दूसरा छोड़ देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, इसको थोड़ा सा देखेंगे और पुस्तक जरूर खरीदें, बड़ा पुस्तक है, आप कुछ भी पढ़ नहीं सकते ना समझ में आएगा, ठीक है।